वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी के अंदर जो है लेजर कैश और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं टैली के प्लेटफॉर्म को ऑन करते हैं और यहाँ पर जो है स्केप प्रेस करेंगे और हमारे पास जो है कंपनी का नाम पुराने पिछले हमने बनाया था ABC या ABD कुछ भी नाम, इसमें देख रहा है कि कोई वोचर नहीं है। यहाँ पर जो है मास्टर के अंदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, इस पर हम लोग एंटर करेंगे और यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप जैसे कि हमारे पास ग्रुप होता है, एक्सपेंसेस का ग्रुप होता है, एसेट्स का ग्रुप होता है, या फिर जो है वेजेस का ग्रुप होता है, बैंक का ग्रुप होता है, अलग अलग तरह से ग्रुप होता है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर वैसे देखना चाहे तो यहाँ पर डिस्प्ले करके सिंगल अगर देखना है सिंगल यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या ग्रुप है हमारे पास, फिर एस्केप करके प्रेस बैक जा सकते हैं। ऑल्टर ऑप्शन से जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ हमारा गलत हो रखा है तो उसको हम यहाँ से जा करके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब यहाँ से अल्टर मतलब ठीक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मल्टीपल ग्रुप्स, एक साथ बहुत सारे ग्रुप क्रिएट करना है उसके लिए डिस्प्ले, एक साथ बहुत सारे ग्रुप को देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। ऑल्टर जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्विट से जो है हम लोग पीछे बैक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि किसी भी नाम से हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि अमन, अमन के नाम से। और अमन को हम यहाँ क्या बनाना चाहते हैं, जैसे कि अमन को हम बनाना चाहते हैं सेल अकाउंट बनाना चाहते हैं। सेल का एंट्री जो भी होगा अगर मैं अमन के अंदर रखूँगा तो ये क्या होगा कि जितने भी अमन के अंदर एंट्री जाएगा वो सारे सेल के अंदर जाएगा। अगर मैं इसको अमन को सेल बना लिया तो यहाँ पर सेल अकाउंट अगर बना लिया यहाँ पर अब जो है इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ग्रुप सॉरी लेजर, लेजर के लिए अब जैसे मान कर चलो मैं कह रहा हूँ कि सेल अकाउंट SALE सेल अकाउंट वैसे सेल अकाउंट के अंदर जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अमन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर अमन आएगा यहाँ पर ये रहा अमन, तो ये भी एंट्री सही होगा क्योंकि ये अंडर जो है अकाउंट कौन सा है सेल के अंदर है, यहाँ पर जो है ये सेल के अंदर जो है अकाउंट है। तो यहाँ पर जो है वैट यस करना है नहीं करना है यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से परचेज अकाउंट में जाता है, परचेज अकाउंट यहाँ पर पी लिखेंगे और नीचे प्रेस करेंगे अकाउंट, यहाँ से परचेज अकाउंट जाएगा। सेल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, जैसे कि रेंट अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यहाँ पर जो है हमें लिखना होगा रेंट अकाउंट, यहाँ पर आई प्रेस करेंगे और यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, यहाँ पर इंडेक्स ये कर दिया हमें। जैसे सैलरी अकाउंट यहाँ पर सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, IN लिखा मैंने और इधर से प्रेस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेज अकाउंट ये वेजेज अकाउंट जो है ये हमारे पास जो है डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वेजेज अकाउंट यहाँ पर जो है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग जो है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगले में जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए क्या आता है। तो हमारा जो है आज के लिए यहाँ पर यही क्लास रहेगा और अगले क्लास में हम लोग और कुछ भी देखते हैं। तो हमारा जो है आज का क्लास ये रहा कि लेजर और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं।